सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोवरेन पेटेंट फंड के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। कुछ दिनों पहले हमने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 के बारे में डिस्कस किया था। उस पॉलिसी में कहा गया था हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए सरकार सोवरेन पेटेंट फंड इस्टेब्लिश करेगी। क्या फ़ायदा होता है इस सोवरेन पेटेंट फंड का, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो टेक्निकली इनकोरेक्ट है, लेकिन आप एसेंस समझ जाओगे कि सोवरेन पेटेंट फंड का फ़ायदा क्या होगा। मान लेते हैं एंड्रॉयड जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है गूगल की। अब कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, और उस कंपनी को अगर मैन्युफैक्चर किए गए मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर डलवाना है तो पैसा देना पड़ेगा गूगल को, क्योंकि एंड्रॉयड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसकी, गूगल की। तो देखो छोटी छोटी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो गूगल को दे सकें, इस वजह से उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। कितना अच्छा हो सरकार इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित एसेट्स को एक्वायर कर ले और छोटे मोटे जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको सरकार बोले कि हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट को एक्वायर कर लिया है, अब आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो बिना रोक टोक के, आपको कोई किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे देश में जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और उसी लिए ये सोवरेन पेटेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। सोवरेन पेटेंट फंड का काम क्या होगा, इसमें हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे देश के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उनको एक्वायर करेंगे। इसके देखो काफ़ी सारे फायदे होंगे, एक तो जो MSMEs हैं उनका तो ग्रोथ होगा ही, दूसरा एक इकोसिस्टम भी तैयार होगा इनोवेशन का हमारे देश में। जो MSMEs हैं उनको भी पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, वो भी इनोवेशन पे फोकस करेंगे, वो भी रिसर्च पे फोकस करेंगे, मतलब एक डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार होगा। और सबसे लास्ट में देखो सरकार के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित एसेट्स को एक्वायर किया गया है उनका इस्तेमाल करके जो MSMEs हैं वो नए नए तरह के बिजनेस ओपन कर सकेंगे। तो इस प्रकार का जो मॉडल है पहले लॉन्च किया गया था साउथ कोरिया में, जापान में, और कुछ ही समय पहले कनाडा ने भी सोवरेन पेटेंट फंड क्रिएट किया था। कनाडा को ये लगता था हमारे देश में जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों की कंपनीज को, खास करके USA की कंपनीज को बहुत सारा पैसा दे देती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज़ के फीस के तौर पर। तो इसी वजह से कनाडा ने ये फंड क्रिएट किया कि उनकी इकोनॉमी के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित एसेट इंपॉर्टेंट होंगे उसको वो एक्वायर करेंगे। और अभी इसी प्रकार का फैसला इंडिया ने भी लिया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल परम शिवाय के बारे में है। परम शिवाय देखो एक सुपर कंप्यूटर है, इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा IIT BHU में। इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी है 833 टेराफ्लॉप। देखो कंप्यूटर की स्पीड या फिर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है फ्लॉप्स की सहायता से। फ्लॉप्स मतलब एक सेकंड में या फिर किसी निश्चित समय में कितने फ्लोटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, इससे हम समझ सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड है कितनी और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है कैसी। एक बार आप इस पर नज़र डाल सकते हो, किलो फ्लॉप इज इक्वल टू 10^3 फ्लॉप्स, उसके बाद मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स। टेरा फ्लॉप्स का मतलब है 10^12 फ्लोटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। तो ये कैपेसिटी है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की। इसको देखो बिल्ड किया गया है 32.5 करोड़ की लागत से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। कहाँ पर, IIT BHU में। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस परम शिवाय सुपर कंप्यूटर में 1 पेटाबाइट सेकेंडरी स्टोरेज होगा और अप्रोप्रिएट ओपन सोर्स सिस्टम भी होगा। एक बार आप स्टोरेज की हायरार्की भी देख लीजिए, सबसे पहले मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट। हायरार्की में लगवा सकती है UPSC, मतलब ये पूछेगी कि टेराफ्लॉप कितने होते हैं, 10^12 होते हैं या फिर 10^15 होते हैं, इसकी संभावना कम है। लेकिन
तीन चार इस प्रकार से दिए होंगे, पेटाफ्लोप, टेराफ्लोप, गीगाफ्लोप, मेगाफ्लोप, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये देखो सोशल इश्यूज से डील करेगा, वो सोशल इश्यूज जो कॉमन मैन के द्वारा फेस किए जाते हैं। इंडिया ने देखो पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 लॉन्च किया था 1991 में। दूसरे सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, परक्यूस जो सुपर कंप्यूटर है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के पास है। मिहिर सुपर कंप्यूटर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के पास है। और SERC, क्रे, ये सब सुपर कंप्यूटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के पास हैं। UPSC यूं भी मैच द फॉलोइंग करवा सकती है कि परम शिवाय सुपर कंप्यूटर ये किसके पास है, ये IIT BHU के पास है। प्रत्यूष, मिहिर और SERC, क्रे के बारे में हमने डिस्कस किया, ये किस किस इंस्टीट्यूट के पास है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में है। इस सेंटर को देखो इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। कहाँ पे है ये सेंटर? ये सेंटर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। किस मकसद के साथ सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन को इस्टेब्लिश किया गया था? देखो बहुत से वाइल्ड एनिमल्स जो किसी कारणवश डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब उनको अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ता है। रीजन कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लड आ जाए या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो दूसरी जगह पे जब जाते हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को लाया जाता है इस सेंटर में उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। एक बार ऐसे एनिमल्स को स्टेबलाइज कर दिया जाता है तो बाद में उनको फिर से वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, यानी जंगल में छोड़ दिया जाता है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन को इस्टेब्लिश किया गया था असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के द्वारा मिलकर। ये रिकॉग्नाइज्ड है सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी। एक बार हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी बार वैसे हमने डिस्कस किया है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लेकिन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये असम के गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। वर्ल्ड के 2/3 जो वन होर्न राइनो है वो यहीं पर मिलते हैं। राइनो IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज़्यादा है। काजीरंगा में टाइगर की डेंसिटी हाईएस्ट है। 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। पार्क में राइनो और टाइगर्स के अलावा एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम्प डियर, ये सब भी देखने को मिलते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने काजीरंगा नेशनल पार्क को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया हुआ है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एज पर आता है। फ्लोरा की बात करें, मतलब पेड़ पौधों की बात करें, तो ऊंची ऊंची एलिफेंट ग्रास, मार्शलैंड, डेंस ट्रॉपिकल मोस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क के एज से ब्रह्मपुत्र रिवर भी गुजरती है। इसके अलावा इस पार्क के अंदर भी छोटी छोटी काफ़ी सारी वाटर बॉडीज हैं। तो ये हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क ही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एक ऐसा नेशनल पार्क जो कि बिग फाइव के लिए फेमस है, यानी राइनो, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डियर, इन पाँचों बड़े एनिमल्स के लिए फेमस है ये नेशनल पार्क। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी रिजर्व है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क सही आंसर है। तो डी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क सही आंसर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंबोडिया में RCEP की 7वीं इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है। देखो 2012 से RCEP की नेगोशिएशंस लॉन्च की गई थी। मकसद ये है 16 कंट्रीज के बीच किसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो और टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ जो बैरियर हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। कौन से 16 देश हैं इसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो 10 देश तो वो हैं जो आसियान में आते हैं। आसियान में आने वाले 10 देश कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया,
उसके बाद मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनई, ये 10 देश आसियान के हैं। बाकी 6 देश अलग हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये 6 देश अलग हैं। आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डज नॉट प्रपोज टू इंक्लूड विच ऑफ दीज नेशंस, इनमें से कौन सा देश नहीं है जो नहीं आता RCEP में? बांग्लादेश नहीं आता है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिफॉर्म इंडेक्स के बारे में है। इज मतलब इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। गवर्नमेंट ने ये इज रिफॉर्म इंडेक्स रिलीज किया है। इसको प्रिपेयर किया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था कि भैया इस प्रकार का इंडेक्स आप तैयार करो, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये इंडेक्स रिलीज किया है। इस इंडेक्स में देखो हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रैंकिंग दी गई है काफ़ी सारे क्राइटेरियाज के आधार पर, जैसे कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग की है कितनी, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर किसने, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने फोकस किया है, क्रेडिट ऑफ टेक, डिजिटाइजेशन, इन सब क्राइटेरियाज के आधार पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में। पिछले साल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूत बनाया जा सके और इन सब क्राइटेरियाज के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। इस इंडेक्स में टॉप किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, उसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इस ईज इंडेक्स रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि काफ़ी अच्छा काम किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बैड लोन को रिकवर करने में और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट करने में भी अच्छा काम किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 के बारे में है। देखो 2-3 दिन पहले हमने एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था, संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑर्गेनाइज होती है। इस साल वो बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज हो रही है। और एक और एक्सरसाइज मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 ये भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच ऑर्गेनाइज हो रही है और ये भी बांग्लादेश में ही ऑर्गेनाइज हो रही है। लेकिन फ़र्क इतना है जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये जो मैनामती मैत्री एक्सरसाइज है ये देखो दोनों देशों की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इंडिया की तरफ से हिस्सा लिया जा रहा है इस एक्सरसाइज में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जो कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को बांग्लादेश की साइड से गार्ड किया जाता है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के द्वारा यानी BGB के द्वारा। तो ये दोनों जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं इंडिया और बांग्लादेश की, ये दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज मिलके मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 को कंडक्ट कर रही हैं। और नाम जो है मैनामती ये आता है हिल से, बांग्लादेश में कोमिला टाउन है और इस कोमिला टाउन से 8 किलोमीटर दूर मैनामती रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखला है, वहीं से नाम आता है इस एक्सरसाइज का मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019। तो कंफ्यूज मत होइएगा संप्रति एक्सरसाइज के बीच और मैनामती मैत्री एक्सरसाइज के बीच, दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन संप्रति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और मैनामती दोनों देशों की बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एक्सरसाइज है। चलते हैं आगे। आगे दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। एक तो ऊषा थोरट पैनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पैनल गठित किया है फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऊषा थोरट की अध्यक्षता में। इस पैनल को काम दिया गया है ऑफशोर रूपी मार्केट से संबंधित इश्यूज को एग्जामिन करना और हमारे देश की करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसमें स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इससे संबंधित रिकमेंडेशंस देना। तो ऊषा थोरट पैनल के बारे में UPSC अगर पूछे तो याद रखिएगा काम क्या दिया गया है इनको। और लास्ट में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट, ये देखो नासा का मिशन होगा और इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2022 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो अर्थ के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, इसके साथ अटैच किया जाएगा एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट को। काम ये होगा इस एक्सपेरिमेंट का ये पता लगाना कि स्पेस में वेदर कैसा है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है
और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टडी किया जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो काफ़ी एक कलरफुल बैंड दिखता है, उस कलरफुल बैंड को स्टडी किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ताकि पता लगाया जा सके कि स्पेस का वेदर कैसा होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे, कौन कौन सी फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने मैनामति मैत्री एक्सरसाइज 2019 के बारे में डिस्कस किया, ऊषा थोरट पैनल के बारे में डिस्कस किया, और एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना, RCEP के बारे में जाना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, परम शिवाय के बारे में हमने डिस्कस किया, सोवरेन पेटेंट फंड के बारे में हमने जाना, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में हमने जाना, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।